तो दोस्तों, आप सबको जैसा कि पता है मेरे पास्ट के बारे में, मैंने YouTube को स्टार्ट किया था एक सीढ़ियों के कोने से। मैं वीडियोस बनाया करता था एक टाइम, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक स्मार्टफोन था जिससे मैं वीडियोस बनाया करता था। बट आज आप देख रहे हो मेरे पास एक बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत अच्छा खासा सेटअप है। अभी आप लोग देख रहे हो नए सेटअप पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए स्मार्ट पैनल लगा हुआ है, जहाँ पर मैं आपको कुछ भी अगर बताना हो तो ये भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हो एकदम लग रहा है ना प्रोफेशनल, जैसे खान सर वगैरह वीडियोस बनाया करते हैं। और साथ ही अभी मैं अपने आपको लाइव वहाँ देख भी पा रहा हूँ। ये देखिए कितने सारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मेरा चैनल एक में खुला हुआ है, एक पे मैं लाइव देख पा रहा हूँ मेरा ऑडियो वगैरह आ रहा है या नहीं, एक पे मैं यहाँ बड़े वाले कर्व वाले डिस्प्ले पे मैं खुद को देख पा रहा हूँ कि मैं अभी कैसा हूँ, मेरा क्वालिटी कैसा आ रहा है, सही सलामत सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। और कैमरा देखे वहाँ वॉल पर लगा हुआ है जो कि 360 डिग्री ये रोटेट करता है, आप जिधर घुमाना चाहो उधर घूम जाएगा एक ही कैमरा। तो दोस्तों इस तरह का सेटअप, आज ये सेटअप जो है ना लाखों रुपए का सेटअप है, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत तो बहुत करना पड़ा है। और आप लोगों ने जैसा कि टाइटल वगैरह देख ही लिया कि माई न्यू सेटअप करके मैंने ये वीडियो मैं डाला हुआ है यूट्यूब पे। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये लाखों रुपए का सेटअप है, लेकिन आज के डेट पे काफी ऐसे टीचर्स है, एजुकेटर्स है, यूट्यूबर्स है जिनके पास तो पैसा तो है बट वो सेटअप कैसे करे ये चीज का नॉलेज नहीं, क्योंकि ये सब चीजों में भी बहुत सारा नॉलेज लगता है, हमें पता नहीं होता कैसे सेटअप होता है क्या होता है। जैसे अभी एक प्रॉपर स्टूडियो पे मैं हूँ, लेकिन मुझे ये सेटअप करने में एक शख्स है जिन्होंने मुझे काफी हेल्प किया है और मैं उनके स्टूडियो पे हूँ। एक्चुअल में मेरा ये स्टूडियो नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले एक दो महीने में आपको मेरा भी प्रॉपर ऐसा ही स्टूडियो दिखेगा, क्योंकि वो शख्स जो है जिनका ये स्टूडियो है सेम ऐसा ही स्टूडियो मेरा भी अभी सेटअप होने वाला है एक दो महीना में। जैसा कि आप सबको पता मेरा नया घर बन रहा, नया स्टूडियो बन रहा, तब ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने टाइटल लगाया था माई न्यू स्टूडियो, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। चलिए फिलहाल तो अभी मिलाते हैं आप लोगों से। तो ये है दोस्तों हमारे साथ चंदन जी, जो कि स्मार्ट इन्फोविजन के फाउंडर है और इन्हीं का ये स्टूडियो है जो कि बेंचमार्क का सारा प्रोडक्ट्स ये रखते हैं। और आज के डेट में मैंने भी एक स्टोर ओपन किया है एमजे टेक वर्ल्ड, जिसका कि ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट भी जल्द लॉन्च होगा, जहां से मैं भी खुद बेंचमार्क को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं खुद यूज कर रहा हूं आज के डेट में। और इनका प्रोडक्ट कैसा है नहीं है वो डिटेल आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वैसे तो देख ही लिया आप लोगों ने इंट्रो में ही वीडियो पे। तो चंदन जी सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम। काफी सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर आए हुए हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स ने इस स्टूडियो का पूरा टूर किया हुआ है, आज मैं भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है सर जी, ताकि लोगों को मोटिवेशन भी मिले, आपके बारे में भी थोड़ा जानकारी जी, मिले जी, जी। थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो, लाइक आपने कैसे मतलब ये शुरुआत की अच्छा। कंपनी कैसे कुछ। सो थैंक यू सो मच सर कि आप मैं पार्ट बन रहा हूँ आपके चैनल का। सर हमेशा से शुरुआत जो होती है प्रॉब्लम को जब मैं एड्रेस करते, जैसे आपने शुरुआत किया प्रॉब्लम को एड्रेस किया, तो प्रॉब्लम क्या जैसे आप हैं, अब आप सबका टाइम बड़ा कीमती है, तो यानी प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं उसमें प्रॉब्लम ना आए ये हमारा काम है। हमारी पूरी टीम की कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम को कम करके राइट प्रोडक्ट वहाँ फिट किया जाए वही हम काम करते हैं। तो भी हम टीचर्स के साथ, यूट्यूबर के साथ, क्रिएटर के साथ एंड टू एंड ये पूरा सेटअप ऐसे हम लगा के देते हैं जिसमें वो सिंगल क्लिक पे अपना पूरा स्टूडियो वो ऑन कर सकते हैं। और इसमें सर आपको किसी कैमरामैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंगल हैं जैसा कि आपने अभी देखा है, तो आप वहाँ से ऑन करिए और रिकॉर्डिंग शुरू, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहा। नहीं, किसी अगर कैमरा में नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइट्स वगैरह ऑन करो, स्विच दबा, वीडियो बनना स्टार्ट। हाँ, कुछ ऐसा आपने सेटअप पूरा करके दिया है जी, जी। सारे क्रिएटर्स को अभी तक आपने पूरा ऑल ओवर इंडिया में कितने स्टूडियो सेटअप कर दिया? सर अभी ऑफिशियली 4500 स्टूडियो हम पूरे भारत में कर चुके हैं। 4500? हाँ 4500। बहुत बड़ा नंबर होता है, सुनने में छोटा लग रहा है, एक स्टूडियो सेटअप में ना पसीना छूट जाता है। जैसे हमने जब स्मार्ट पैनल वगैरह लिया था तो एकदम जीरो नॉलेज था, पता ही नहीं होता था कैसे क्या करना है, लाइट सेटअप कैसा रहेगा, कभी क्या होता है इधर अंधेरा आ रहा है तो इधर लाइट आ रहा है, तो ये सब चीजों के बारे में जानकारी लोगों को मैक्सिमम लोगों को नहीं होता है। पैसा तो है जैसा कि मैंने बोला, लेकिन उनको सेटअप करना आइडिया नहीं है। हाँ। तो वो चीज आप बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। मतलब और थोड़ा सर्विस के बारे में, जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा, कैमरा काम नहीं कर रहा या फिर रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो फिर इसके लिए क्या है? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा सर। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये केवल प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं, तो कोई हमें चूज क्यों करे? क्योंकि ये डब्बा है, जब तक इसको एक्सप्लोर ना करें हम। सही बात, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लोर करना बताते हैं, इसका अच्छे से यूज करना बताते हैं। 22 लोगों की टीम है, मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा टीम भी, 22 लोगों की टीम है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करती है कॉल पे। और हमारे यहाँ अब 2 बजे रात तक हम सपोर्ट देते हैं, क्योंकि आजकल क्रिएटर ना
चाय पीने के बाद रात को ज्यादा रात में भी वीडियोस बनाया वीडियो बनाते हैं तो रात को हम ज्यादा बिल्कुल। तो ये वीडियो का आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना। अगर आपको एक प्रॉपर स्टूडियो सेटअप करवाना है तो सर आज बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा इस वीडियो से, और आपको अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल सर आप बताएंगे जैसे क्या क्या चीज है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या वहाँ पर सारा का क्या क्या काम है। हाँ, जैसे कि सर एक डिजिटल बोर्ड आपके पीछे है और आपने एक माइक लगाया है। इस माइक का एक खासियत क्या है कि जैसे मैं अगर यहाँ पे आप इसका क्लिप भी लगा देना, क्लैप कर रहा हूँ, तो इसमें हो सकता है माइक में आ जाए, लेकिन आपके पास जो माइक है इससे नहीं। एक तो इसका जो साउंड है वो काफी मेलोडी है और आरजी की तरह आता है, नॉइस कैंसिलेशन है। एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। आप करिए, सामने देख रहे हैं आप तो मॉनिटर लगा हुआ है और आप एकदम अच्छे से व्यू आ रहा है आपका। ये कनेक्ट है सर्वर से, यानी कंप्यूटर से, हाई एंड कंप्यूटर जो गेमिंग में यूज करते हैं हम लोग। इसके साथ आप देख रहे हैं तीन मॉनिटर कनेक्ट है। तीनों मॉनिटर पे हम अलग अलग विंडो ओपन कर सकते हैं, जैसे एक में आपका चैनल ओपन है, एक में ये कैमरा का व्यू आ रहा है, और मेन देखिए जो माइक जो भी बात आप करेंगे वो उसका पता चलता रहेगा कि माइक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अदरवाइज क्या होता है, वीडियो बना लेते हैं पता चलता माइक ऑन है या नहीं, गलती हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, इस कैमरे को जैसे ये देखिए, ये कैमरा है, यहाँ से मैं जूम कर रहा हूँ, किसी मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा मैंने क्या किया, ये जूम किया केवल आपके ऊपर, और जूम ये रिमोट से हो रहा है, रिमोट से। अब इसे आप पोडियम पे आइए, अब आपको कोई मोटिवेशनल टॉक करना है तो अब क्या हुआ, आप अकेले हैं और कैमरे को आपने ऐसे सेट कर दिया, अब थोड़ा प्रोफेसर वाला वो भी आ रहा है। अब यहाँ पे आप अपना मोटिवेशनल टॉक करिए, के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। एक्चुअल में एक नंबर पे कैमरे को मेरे साइड घुमा करके प्रीसेट सेट हो गया। हाँ। दो में सर का है, तीन में कैमरामैन का, हाँ। चार में पूरा वाइड है। हाँ। और वो कैमरा एक्चुअली 360 डिग्री रोटेट करता है, थोड़ा रोटेट करना सर रिमोट से। हाँ, ये देखिए, इसलिए क्या होता है कि ये देखिए जिस पर्सन को आपको फोकस करना है उधर घुमा करके प्रीसेट सेट कर देना है। हाँ। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर पे सेट हो जाता है। आप जैसे ही प्रेस करते हो बटन को, वो डायरेक्ट उसी पर्सन को फोकस कर लेता है। अब अगर आप वीडियो बना दिए तो आप देख रहे होंगे कैमरा मूव करता है, दिखता है, तो केवल ट्रांजिशन वाला पार्ट हटा दीजिए, सही बात है, बाकी सीन टू सीन आ गया। और मॉनिटर्स में जैसे आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो एक स्क्रीन पे आप अपना खोल के रख लिए, एक में आपने कॉमेंट पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए खोल के रख लिया, इस तरह का है ना। हाँ। और ये लाइव मॉनिटरिंग हो रहा है, ये डायरेक्ट जूम पे कनेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे कनेक्ट हो गया, तो सीधा यूट्यूब पे लाइव चले गए, जूम पे लाइव चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका टाइम बचेगा तो आप अपने प्रोडक्टिव टाइम कहीं और लगाएंगे, ये चीज तो देखिए होता ही है। जैसे क्या होता है, हमने कॉन्टेंट फाइंड कर लिया, हाँ। स्क्रिप्ट हमने दिमाग में एक बार रीड करके बैठा लिया, हाँ। अब आने के बाद जो तामझाम करना पड़ता है ना, ट्राइपॉड लगाओ, कैमरा सेट करो, डिस्प्ले को ऑन करो, फिर उसमें कलर लगाओ, ये लगाओ, फिर उसको सेटअप करो, ये करो, इसमें थोड़ा सा ना डाइवर्ट हो जाता है माइंड, फिर जो कंटेंट बनना था वो एक्चुअल बन नहीं पाता है, एनर्जी वहीं पे डाउन होता है, डाउन हो जाता है सर पूरी। और वही चीज अगर ऐसा सेटअप रहे प्रॉपर, आया सीधा रूम पे, स्विच दबाया, वीडियो बनना शुरू, इसमें एक अलग ही कॉन्टेंट आपका निकल के आएगा, जिसमें एनर्जी भी ज्यादा दिखेगी, कंटेंट भी एक फ्रेश बनता है एकदम। तो यहाँ से मेरे एंगल से दिखाना, उधर एक बार घुमा करके, जैसे आप यहाँ से वीडियो बना रहे हैं, इधर यहाँ आ जाओ तुम कैमरा लेकर, यहाँ से जैसे आप वीडियो बना रहे हो तो आप खुद को वहाँ देखे पूरा देख सकते हो डिस्प्ले में कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, सारा क्वालिटी वगैरह कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा। तो सेटअप आप लोग बताना कैसा लगा, एक बार पूरा दिखा देना ऊपर सारा, देखिए एसी वगैरह सारा, लाइटिंग सेटअप ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, ऊपर से सीलिंग पे लाइट लगा हुआ, उसी में अब ये भी पैसा सोचो बच रहा, नहीं तो नीचे लगा रहता, नीचे में हाँ, हाँ, वो लगा बुरा लगता है, वो भी बुरा लगता है, ठीक है। बाकी पैनल तो आप देख रहे हो, ये है 75 इंच ना, हाँ, ये 75 इंच, 75 इंच। हाँ, एक चीज दिखाते हैं सर, जैसे बहुत सारे आपके स्टोर पे भी आते हैं, ये तो अगेन ब्रॉडकास्ट, ये देखिए टेलीप्रॉम्प्टर है, ये भी आने वाला है बेंचमार्क का। जैसे मान लीजिए स्क्रिप्ट आपको पढ़ना है तो आप खड़े हो गए, स्क्रिप्ट या मोबाइल आपने रख दिया, ठीक है, और यहीं पे आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लो कोई अपडेट आया, अब रटना है नहीं है, तो स्क्रिप्ट यहाँ पे चल रहा है, यही देख के इसके पीछे यहाँ कैमरा लग गया, DSLR आपका सही है एकदम, मतलब कैमरे पे ही देख रहे हैं, लेकिन लगेगा हाँ, नहीं अगला हाँ, को जैसे जैसे न्यूज एंकर लोग न्यूज बनाते हैं, या मोदी जी जो है, ये मोदी जी को इतना कॉन्टेंट कहाँ से याद रहेगा, जैसे स्पॉन्सर वाली वीडियोस हैं, उनका कॉन्टेंट लंबा चौड़ा मिला है, ये तो बहुत काम ठीक है भाई। आ जाइए अभी पूरा स्टूडियो टूर करवाते हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए बहुत सारे पैनल्स लगे हुए हैं जो कि अलग अलग साइज का है, सर थोड़ा बताना ये कौन सा साइज है, क्या है ये, है सर 86 इंच, ठीक है। अच्छा, 86 यूजुअली कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे किसी क्लासरूम है, या कोई हिस्ट्री का टीचर है, या ट्रेडिंग के हैं, तो उनको क्या है
कि बड़ा कैनवास है, कैनवास हम इसको बोलते हैं जैसे कोई टहल के वीडियो बना रहा है तो उसको चलने के लिए इतना स्पेस मिल गया तो उसके लिए 86 ठीक है, या क्लासरूम बड़ा है तो उसके लिए ठीक है। अदरवाइज आइडियल साइज 65 माना जाता है, अरे 75 65, और अभी आपको 55 इंच का भी दिखाऊंगा जो बिल्कुल कम बजट में है। और जो लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं है तो उससे वो स्टार्ट कर सकते हैं, लो बजट से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, और सर ये इनमें अच्छी बात क्या है, ये टीवी भी है आपका। हाँ, ये आपने इसमें नेटफ्लिक्स अगर चलाना है, एयरटेल स्ट्रीम या डोंगल लगाया, सीधा ये इसमें नेटफ्लिक्स चल गया आपका, सब कुछ चल गया और सब ऑटोमेटिक। ये बेस्ट पार्ट है। हाँ, एक तो पैनल की तरह हम इसको यूज में ले सकते हैं। हाँ, बाकी आप टीवी भी देख सकते हो। हाँ, ब्राउजिंग भी कर सक्ते हो, क्रोम वगैरह। हाँ, सब हाँ, कुछ खुल हाँ, जाता है। ये जो है स्टार्ट होता है 55 इंच से। हाँ, अगर मान लीजिए आपका बजट लो है तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी क्या होता है कि एक सीढ़ी दो सीढ़ी तीन सीढ़ी करके ही ऊपर आता है, डायरेक्ट छलांग मार के 10वीं सीढ़ी नहीं जाना है। मैंने भी स्टार्ट फोन से ही किया था, आज मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप है ना, आने वाला टाइम और अच्छा हो जाएगा। तो आप भी शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हो, बहुत अच्छा पैनल है। इससे भी आप आराम से YouTube चैनल के बारे में अगर कोई ट्यूटोरियल दे रहे हो, कोई एजुकेटर है, कोई पढ़ा रहे हो, तो आराम से इससे भी सारा काम हो जाएगा। बाकी मतलब टीम कैसे कैसे काम वगैरह चल रहा है? ये आकाश गुप्ता है, ये टेक्निकल पूरा मैनेज करते हैं। एज इनकी 21-22 साल है। ये इनकी टीम है, ये मुस्कान है, स्क्रिप्ट राइटर है, ठीक है सर। बाकी वैभव है ब्लॉग्स वगैरह के लिए, ये इनकी टीम में कंप्लेंट वाले में है। और ऊपर सेल्स टीम सर वो अलग है पूरी। तो सर ये जो है ये वेटिंग एरिया छोटा सा है, यहाँ लोग आके बैठते हैं, हम भी बैठे हुए थे। ठीक है, फिर अंदर डायरेक्टर केबिन है, लास्ट में दिखाएंगे। बाकी अंदर सर सेल्स ऑफिस है, एक बार मैं टीम से ही मिलवा दूँ, आइए। मैं इसलिए कि यहाँ पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर वे में है, और यहाँ आप देखेंगे, कहते हैं ना हलवाई अपनी दुकान का मीठा नहीं खाता, लेकिन हम खाते हैं। यहाँ पे कैमरा क्या कर रहा है, यहाँ पे कैमरा ये कर रहा है कि जो ट्रेनिंग होती है सेल्स ट्रेनिंग, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। ये है डायरेक्टर केविन, तो ये चंदन जी का जो है पूरा ऑफिस है, आप समझ सकते हैं। हाँ, आप यहीं पे तो कंटेंट बनाते हैं। हाँ सर, मतलब रील्स वगैरह ये सब मैडम यहाँ पॉडकास्ट वगैरह भी कभी कभार कर लेते हैं मैडम यहाँ। बाकी हम लोग यहाँ पे पूरा स्टूडियो आप लोगों को दिखा दिया आपने। हाँ, देखा कि कैसे एक स्टूडियो सेटअप होता है। सिर्फ पैसा रहने से नहीं होता है ना, नहीं, पैसा रहने से सब कुछ नहीं हो जाता है। नॉलेज आपका होना जरूरी है, साथ ही आपको गाइडेंस करने वाला कोई होना जरूरी है। पैसा होने से क्या होगा, हमें एक सलाहकार की जरूरत आज के टाइम पे जिस भी फील्ड में है। बिल्कुल, तो सलाहकार वही बनता है जो तप के यानी चीजों को फील करके एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ता है, जैसे मनोज सर है। ठीक है, अब इन्होंने वो रेफरेंस क्रिएट करा है नए लोगों के लिए, जो अगर इनके फुटप्रिंट्स का डेसिमल भी फॉलो कर लें तो जीवन में कुछ कर लें, लेकिन नहीं करते हैं। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, मुझे ऐसा लगता है, आपको नर्चर करना पड़ता है, और नर्चर हम आप कर सकते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच आपका भी, एंड काफ़ी अच्छा स्टूडियो आप लोगों ने पूरा देख ही लिया। तो आपको अगर अपने स्टूडियो के लिए पैनल लेना है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह जैसे कि मैंने लगाया है, ऐसा अगर आपको लगवाना है, या फिर फुल सेटअप करवाना है, स्टूडियो सेटअप करवाना है, तो आपको करना क्या है कि आपको मैंने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाइए और वहां पर एक फॉर्म मिलेगा गूगल का, वहां पर आपको फिल कर देना है, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका सिटी, जो भी बेसिक डिटेल पूछा जाएगा उसको फिल करके आप सबमिट कर दो। मेरा जो टीम होगा वो आपको कांटेक्ट करेगी, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, और सारा प्राइसेस वगैरह क्या क्या रेट है नहीं है सब कुछ आप वहां से जानकारी ले सकते हो। तो आपको डायरेक्ट टीम का कॉल जाएगा, तो आप गूगल फॉर्म भर देना अगर आपको पूरा फुल सेटअप करवाना है, या फिर पैनल लेना है, जो भी लेना है, कैमरा लगवाना है, कुछ भी। ठीक है, मैं भी गाइड कर दूंगा। अगर आप झारखंड वगैरह से बिलोंग करते हो, देवघर, जमशेदपुर, दुमका वगैरह, साथ आप मेरा स्टोर पे जाकर के भी वो स्टूडियो पूरा सेटअप, तो सर एमजे टेक वर्ल्ड में पूरा ऐसे स्टूडियो बनाएंगे, बिट डिस्प्ले लगा के, आप आके वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करिए अपना, आधे घंटे का मोबाइल में लेके जाइए, क्वालिटी चेक करिए। ठीक है, अब कोशिश करिए ना, ऑर्गेनाइज्ड स्टूडियो बनाइए, एक वेंडर ऑर्गेनाइज्ड स्टूडियो, सो दैट अकाउंटेबिलिटी उसके पास हो, कोई दिक्कत हो तो एक पर्सन हो सॉल्व करने वाला। बिल्कुल, तो आप मेरे एमजे टेक वर्ल्ड धनबाद में है, उसका लोकेशन मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आके विजिट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली वगैरह से हैं, ये पूरा स्टूडियो दिल्ली में ही है, आप यहाँ भी आकर के विजिट करके पूरा डेमो ले सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। एंड चलिए, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया, स्क्रीन पर भी दिख रहा है। एंड आज का ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अभी थोड़ा लकड़ी पूरी काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें अभी UPS है ना। हाँ, ये CPU।